हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पांच ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अपनी कार खरीदने से पहले। तो चलिए एक एक करके हम आगे देखते हैं। बट बिफोर दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू सी मोर कंटेंट्स लाइक दिस इन फ्यूचर। जो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी गाड़ी के चूज़ करने में, वो आता है सेगमेंट ऑफ द कार। इस टाइम मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं कार के, फॉर एग्जाम्पल SUV, MUV, हैचबैक, सेडान्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं कार के। बट उसमें से कार का सेगमेंट जो आपके लिए सबसे सही है वो आप कैसे चूज़ करें? तो सबसे पहली चीज़ आपको जो देखनी चाहिए वो है नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स। आपके घर में मेंबर्स कितने हैं फैमिली में? अगर आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप SUV ले सकते हैं, 6-7 सीटर, या MUV 6-7 सीटर, इनोवा जैसी। अगर आपको सिर्फ सिटी का यूज़ है या आपको नॉर्मल सी कहीं बाहर जाना पड़ता है बट आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप हैचबैक ले सकते हैं, क्योंकि सिटी में चलाने के लिए हैचबैक ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कंपैरिजन टू SUVs। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है जहाँ की सिर्फ हाईवे पड़ता है, मतलब कोई ऑफ रोड कच्ची रोड नहीं है, तो आप सेडान यूज़ कर सकते हैं। जाने को गाड़ी कहीं भी जा सकती है, बट बेस्ट यूज़ उसका क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका मैक्सिमम आप कहाँ जाते हैं? अगर आपको सिर्फ सिटी में जाना है तो जैसे मैंने बताया आप हैचबैक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग ट्रेल में जाना है तो वहाँ पे हैचबैक आपकी काम नहीं करेगा, आपको 4x4 SUV चाहिए होगी। तो सबसे पहला डिसीजन आपको यहीं पे लेना है कि आपको कौन सा सेगमेंट चाहिएगा। जो सेकंड चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है आपका बजट एंड फाइनेंस ऑप्शन जो आपको कार पे मिल रहा है। जनरली आजकल बैंक्स या जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको 7-9% इंटरेस्ट रेट पे अप्रॉक्सीमेटली 100% या 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस आपको फाइनेंस कर देते हैं 7-8 ईयर्स तक के लिए मैक्सिमम। सो अब आपको एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि आप EMI कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर आपने 7.58% इंटरेस्ट रेट पे 6 साल के लिए अगर आपने फाइनेंस कराई है तो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट अराउंड 17,500 के अराउंड पड़ता है। अब अगर आप इतना अमाउंट अपनी सैलरी से हर मंथ 6 साल तक देने के लिए तैयार हैं तो आपको 10 लाख रुपए की कार कंसीडर करनी चाहिए। ये एक रफ एस्टिमेट है बट समझने के लिए सही है। अगर आपकी सैलरी से आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको जनरली थोड़ी सस्ती कार चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो आपने कार सेलेक्ट की है आप उस शोरूम में जाइए, जो आपके सर्विस वहाँ पर हैं लोग उनसे आप बात करिए कि आपको एक कार का एस्टिमेट दे दें और रफली अराउंड आपकी EMI वगैरह कितनी बनेगी आप उनसे आइडिया लीजिए। और अगर आपके जेब में वो बैठता है तभी आप उस कार को हाँ बोलिए, नहीं तो आप दूसरी कार चूज़ करिए। अगर आप उससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी बात है, तो आप उससे बड़ी कार लीजिए, अच्छी कार लीजिए, उससे बड़ा मॉडल लीजिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप एक डेप्ट में जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप अपनी छोटी कार पसंद करिए जो कि आपके लिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए अपने कार को ख़रीदने से पहले वो है फ्यूल ऑप्शंस। जनरली पेट्रोल और डीजल एक दो मेन फ्यूल ऑप्शंस आपको गाड़ी में, हर गाड़ी में मिल जाते हैं, बट आपको कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डीजल और पेट्रोल के फ्यूल में डिफरेंस क्या है, उन गाड़ियों में डिफरेंस क्या है। डीजल की गाड़ी का माइलेज हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल, बट द मेंटेनेंस जो उसका सर्विस की जो वैल्यू है, सर्विस की कॉस्ट है, वो पेट्रोल से ज़्यादा रहती है और डीजल पे टैक्स भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से डीजल की कार भी महंगी होती है, लगभग 1-1.5 लाख रुपए के बीच में। एग्जांपल के तौर पे आप ये दोनों कार्स देखिए कि ये लगभग सेम कार से बट इनमें डीजल और पेट्रोल में कितना डिफरेंस है। और ये भी देखा गया है कि डीजल की कार्स में क्लैटरिंग नॉइज़ की वजह से डीजल कार्स काफ़ी नॉइजी होती हैं, उनमें NVH लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल कार्स। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आप डीजल कार लें या आप पेट्रोल कार लें। सो मेरा डायरेक्ट आपको एक सजेशन है कि अगर आपका रनिंग इंटरसिटी है, आप 80 से 90 किलोमीटर के रेंज में आप डेली अप डाउन करते हैं, डेली आपकी गाड़ी चलती है और आप गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाएंगे आगे तक, तो आपको डीजल प्रेफर करना चाहिए ना कि पेट्रोल। तो आपके जो 1-1.5 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा प्राइस है जो आप पहले से पे कर रहे हैं वो आपका वसूल हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ सिटी में चलना चाहते हैं, आप कभी कभी गाड़ी निकाल के शौक के तौर पे चलना चाहते हैं, आपका डेली रनिंग बहुत कम है, तो आपको पेट्रोल बाय करना चाहिए ना कि डीजल। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए अपनी गाड़ी को खरीदने से पहले वो है उसमें आने वाले सेफ्टी फीचर्स और बाकी फीचर्स भी। डुअल फ्रंट एयरबैग्स प्लस ABS EBD आजकल गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड कर दिया हर गाड़ी के साथ में, बट आजकल बहुत सारी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होता है और उसमें गाड़ियां बहुत ही पुअरली परफॉर्म करती हैं इन सारे फीचर्स होने के बावजूद।
तो आपको अपनी गाड़ी का क्रैश टेस्ट की रेटिंग्स देखनी चाहिए कि आपकी गाड़ी अगर ज़्यादा स्टार लेके आती है तो आपकी गाड़ी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपको वही गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी फीचर्स आते हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक एक्सेट्रा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फीचर्स आपकी गाड़ी में हैं सेफ्टी के, आपको वही गाड़ी चूज़ करनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग रन में आपको सेफ्टी आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, ना कि कुछ गिमिक फीचर। आज की जो लास्ट चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अपनी गाड़ी खरीदने से पहले, वो है उसकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू। एक छोटी सी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है बिल्कुल, बट क्या उसके शोरूम्स आपके घर के आसपास में हैं? क्या उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बन रही है? जब आप उसकी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो क्या उसके कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं उसकी सर्विस से? ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने चाहिए और थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। इसीलिए जनरली लोग एक अच्छी कंपनी की, एक बड़ी कंपनी की कार लेना प्रेफर करते हैं, ना कि एक छोटी कंपनी की कार। सो ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर रोज़ आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।